घर आकर बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। सेवा किया करो अपने माँ बाप की, सुकून भी मिलेगा और जन्नत भी। हेलो दोस्तों, मैं आतिफ खान, डिजिटल क्रिएटर और स्टोरी टेलर। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी हमारे लिए गलत नहीं सोचते। भले उनके शब्द कड़वे हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो हमेशा हमारे लिए अच्छी चीज़ें ही सोचते हैं। ये कहानी है एक जेम्स नामक लड़के की। जेम्स के माता पिता बहुत रईस होते हैं, बहुत पैसा होता है उनके पास। एंड फाइनली जेम्स पढ़ाई करता है। जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला होता है, वो अपने माता पिता से, स्पेशली पापा से जाकर बोलता है कि पापा, मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर एक स्पोर्ट्स कार चाहिए। अब उसके पापा कुछ रिप्लाई नहीं करते, लेकिन उसको लगता है कि पापा तो दिला ही देंगे, पापा के पास इतना पैसा है तो मुझे एक स्पोर्ट्स कार तो दिला ही सकते हैं। एंड फाइनली अब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आता है अपने पेरेंट्स के पास, अपने पिता के पास आता है और बोलता है, पापा मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे एक स्पोर्ट्स कार चाहिए। तो पापा उसको एक गिफ्ट देते हैं, और वो गिफ्ट क्या होता है, एक रिलीजियन बुक, एक धार्मिक किताब होती है। और वो किताब उसको देते हैं और बोलते हैं, बेटा ये लो, इससे तुम लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें इस किताब से। अब बेटा एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाता है और बोलता है, पापा ये क्या है, आपको मुझे एक स्पोर्ट्स कार नहीं दिलवा सके, कैसे बाप हो आप, आपसे मैंने एक स्पोर्ट्स कार मांगी थी, आप वो भी मुझे दिला नहीं सकते। और वो अपने पिताजी को बहुत खोटी खड़ी छुन सुनाता है, बहुत ऊंचा नीचा बोल देता है अपने पिता को, और फाइनली वो गुस्साते हुए वहां से निकल जाता है। वो अपने पिताजी का चेहरा तब तक नहीं देखता है जब तक उनका देहांत नहीं हो जाता है। अब एक दिन उनके गुजरने की खबर आती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और वो भागता भागता रोता रोता आता है अपने पिताजी के पास, उनका हाथ पकड़ता है और बोलता है, पिताजी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब बेटे को ये याद आता है कि उन्होंने जो मुझे एक किताब दी थी, जो रिलीजन बुक दी थी, वो कहाँ है। वो अब वो जाता है, उस किताब को ढूंढता है और फाइनली उस किताब को निकालता है। जब उस किताब के पन्ने पलट रहा होता है वो, तो उसमें से एक टन से गिरने की आवाज़ आती है। जो चाबी गिरती है ना, उसकी आवाज़ आती है, तो वो चाबी एक नीचे गिरती है और उस चाबी के ऊपर लेटर होता है। वो चाबी उठाता है और पढ़ता है उस लेटर को, और देखता क्या है, उसमें ये लिखा हुआ है कि बेटा इस शोरूम के अंदर इस कार की मैंने फुल पेमेंट कर दी है, तुम जाओ और ये कार कलेक्ट कर लो। अब इतना पढ़ते ही उसकी आंखों से पानी आ गया, रोने लग गया वो कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी अपने पिताजी को समझने में। वो हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचते थे, मैंने जो बोला वो उन्होंने करके दिखाया। अब उसे बड़ा अफसोस होता है, वो रोने लगता है कि पिताजी को मैंने कितनी खड़ी खोटी सुनाई थी और कितना उनको बुरा भला बोला था। अब उसकी आंखों से पानी निकल रहे होते हैं। जब उसको पता लगा कि मेरे पिताजी ने मेरी जो स्पोर्ट्स कार थी उसका पेमेंट पहले ही एडवांस में कर दिया था, और मैंने ये चीज़ें समझने में कितनी देरी कर दी। यही चीज़ होती है हमारे साथ। हम लोगों की पता है क्या प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत जल्दी मिसअंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं लोगों को, इतनी गलत फहमियाँ पाल लेते हैं लोगों के बारे में कि हम इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं होता कि हम करने क्या वाले हैं, हम कर क्या रहे हैं। स्पेशली हमारे माँ बाप के साथ, जो हमारे लिए इतना सोचते हैं, उनके बारे में हम गलत फहमियाँ पाल कर बैठ जाते हैं। माँ बाप हमारे लिए हमारी लाइफ में बहुत कुछ करके जाते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना ना भूलें। एंड मैं मिलता हूं आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।